हम लोग आ गए हैं पंचर वालों की दुकान में। अब लगवाते हैं पंचर गाड़ी का, जिस काम से हम लोग आए थे। भाई प्रोसेस में ये है, कढ़ाई हमने रख दी है और उसके बाद एक तेल वगैरह डालूंगा, फिर तेल को थोड़ा गर्म होने के बाद फिर प्याज डाल के भून लूंगा। मम्मी ना मोमबत्ती लेके आई है ताकि उसका मोम जो जलते हुए टाइम लगता है ना, माचिस की तिल्ली जल जाती है एकदम। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है रविवार और अभी सुबह के बज रहे हैं 10:15 के आसपास हो गए हैं। आ रखा था गाय वाले रूम में, इधर हमारी दादी देखो सुबह से काम करने में लग रही। दादी क्या कर रही है तुम यहाँ? यही कर रही, इसे जलाने का सोच रही। क्यों जला क्यों रही है? इसने को आग लगा रखी उन्होंने, इसमें क्यों लगा रखी आग? बिट्टा डाल रखा था दुर्मटिया खोट रहे थे। अच्छा, तो वो तोड़ दिया इन बच्चों ने, तो वो आधा उसी के अंदर रह गया, तो उसे निकालना चाह रही। और किस चीज से जल रहा है, क्या लगाया? ये लगाया, ये क्या कहना है, इसे क्या, ये सैनिटाइजर। हाँ, इसे आग लगाई, हैंड सैनिटाइजर यूज करा इसमें आग लगाने के लिए। दिमाग लगा दिया एकदम बढ़िया से, उसे जला के निकाल देंगे, नया बिट्टा डाल देंगे। और यहाँ ये मिट्टी डाल रखी ना गाय के नीचे, वो कर देंगे, ठोक देंगे, इसे बैठ जाएगी मिट्टी। कल पूरी रात साइकिल भारी खड़ी थी। अच्छा, अंदर करना था, अंदर तो हमारे पास देसी साइकिल भी है भाई, जो कि पूरी रात खड़ी थी बाहर, तो अभी ये लिया है अंदर। बाकी भैंस हमने इधर बांध रखी है। गाय कहाँ है? और आज धूप है नहीं, थोड़ी सी धूप निकल रही है, फिर बारिश का मौसम हो जा रहा है, तो मुझे लग रहा है ना आज मौसम खराब है। ऊपर देखो फिलहाल, मैं तो चलता हूँ अब घर। सो गाइस, घर आ गया हूँ मैं, और इधर सब लोग अपने अपने काम में लग रखे हैं। इधर छोटी चाची दाल बीन रही है, दिन के खाने की तैयारी हो रही है क्या? तो दाल बन रही है आज। और मनु दीदी हल्की सी जगह पे धूप आ रखी है, तो वहीं अपनी किताब लेके बैठी है, पढ़ाई कर रही है। तो इसे या तो आप पढ़ते हुए देखोगे या सोते हुए देखोगे, दो ही काम है इसके, बाकी तीसरा कोई काम नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपने वाले रूम में देखो तो इधर शिल्पी अपना काम लेके बैठी है, सूट सिल रही है। किसका सूट है? मम्मी का सूट सिल रही है भाई ये तो। और सामने देखो इन्हें क्या चला रखा, क्या देख रही है? क्राइम पेट्रोल मूवी देख रही है। तो ये सीन है, अभी थोड़ी बहुत देर में मुझे जाना है। गाड़ी में पंचर था उसकी, मैंने कल परसों स्टपनी चेंज की थी, तो अभी स्टपनी लग रखी है उसमें। तो जब कुणाल वहां से गाय वाले रूम से फ्री वगैरह हो जाएगा, तब उसे लेके जाऊंगा और पंचर जुड़वा के आना गाड़ी का। तो आज ये काम निपटाना है। A few hours later. So guys, दोपहर के 2:30 बज गए हैं और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया है लंच। जैकेट वैकेट पहन के रेडी हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ गाड़ी का पंचर लगवाने। जैसे कि मैं आपको सुबह बता रहा था कि थोड़ी बहुत देर में दोपहर के टाइम पे मैं गाड़ी का पंचर लगवाने जाऊंगा। थोड़ा लेट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि पहले मैं सोच रहा कि उस टाइम ही निकलूँ 11-12 बजे के टाइम पे, बट अब थोड़ा लेट जा रहा हूँ क्योंकि शिल्पी को भी ट्यूशन छोड़ दूंगा, वो भी जा रही है बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने, तो उसे छोड़ता हूँ तब पंचर लगवा के आऊंगा। और यहाँ पर देखो ये गाड़ी बाइक ही चमका रहा है और शिल्पी बाहर आ गई। चले भाई, चल रहा तू मेरे साथ? चला तो। तो शिल्पी तो बैठ गई है, रिंकू भी आ गया, कुणाल भी आ गया। कुणाल और रिंकू मेरे साथ कंपनी देने जा रहे हैं, ठीक है भाई। शिल्पी तेरे को कितनी कहाँ पे छोड़ना है? आवास विकास कॉलोनी में जाएगी ये। और कितनी देर में फ्री होगी तू? मतलब उसके बाद तो मैं दो ट्यूशन पढ़ा के आऊंगी। दो ट्यूशन पढ़ा के आएगी, तो यानी कि दो ट्यूशन पढ़ा के 2 घंटे, एक को 1.5 घंटा पढ़ाना, 2.5 घंटे तो आ जाएगी। कि देर को लेने भी आना पड़ेगा? आ जाएगी, अच्छी बात है। तो भाई तो हम लोग इसे छोड़ के फिर जाएंगे पंचर वाले की दुकान पे। इस लड़की की वजह से आज थोड़ा लेट हो गया, वरना तो तकम लगा के भी आए थे, है ना। हाँ, ये कह रही थी मैं थोड़ा लेट जाऊंगी, लंच के बाद चलेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। सूट सिल रही थी मैं। हाँ, ये सूट सिलने में लग रखी थी मम्मी का, इसकी ने तो सूट सिल दिया लेकिन हमें लेट करा दिया। सो गाइस, यहाँ पर आ गए हम लोग आवास विकास कॉलोनी में। चल भाई ठीक है, जब आएगी तो फोन कर दिए, क्या पता मैं लेने आ जाऊं, ठीक है बता दियो। तो इसे तो छोड़ दिया और अब चलते हैं हम लोग पंचर जुड़वाने। देखो सामने कॉलोनी है पूरी, इधर भी, और वो चली गई, वो जा रही। चले भाई दोस्त, गाड़ी चलाएगा? नहीं, एक दूंगा। जल्दी जल्दी चलो पंचर लगवा। हाँ, जल्दी पंचर लगवा। मैच भी है, मैच भी देख लेंगे। अरे हाँ भाई, आज तो मैच भी है भाई, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच भी देखेंगे, तो जल्दी से पंचर लगवा लेते हैं। सो गाइस, पंचर वाले के यहाँ तो हम लोग आ गए हैं पंचर वालों की दुकान में। अब लगवाते हैं पंचर गाड़ी का, जिस काम से हम लोग आए थे। शिल्पी को छोड़ना तो सेकंड काम था, वो तो वैसे भी रिक्शा से आ जाती, बट अब आए हैं मेन काम से। चलो भाई उतरो। भैया पंचर लगवाना गाड़ी का, स्टेपनी लगा रखी है उधर,
चपटी निकाल के इधर रखना टायर। तो यहाँ पर भैया निकाल रहे हैं टायर, जो इसमें पंचर था, बाकी ये है स्टेपनी। देखो बिल्कुल नया टायर है एकदम, तो ज़्यादा चलाया नहीं इसलिए मैंने चेंज ही कराना सही समझा। तो अभी तो खोल रहे हैं। तो गाइस पंचर जुड़वा लिया और वापस आ गए, बाकी एक ही पंचर था। और ये देखना ये घुसी हुई थी कील, छोटी सी कील है लेकिन भाई साहब इसने एकदम हवा निकाल दी थी उस दिन टायर की। तो ये कील घुसी हुई थी जिसमें पंचर लगवाया है, वो तो यूज में लगा दिया गाड़ी के, और जो स्टपनी थी वापस लगवा रखवा दी। और एक चीज़ और, स्टपनी जब मैंने उस दिन लगाई थी ना तो मैंने बोल्ट ज़्यादा टाइट नहीं करते, मैं भूल गया टाइट करने, तो हल्के ही कस रखे थे, तो जब इसने खोले तो एकदम ही खुल गए। तो ये भी चीज़ अच्छा, मैंने ज़्यादा नहीं चलाई वरना तो कुछ नुकसान हो जाता अच्छा वाला। तो अब चलते हैं घर भाई और मैच देखते हैं। मैच तो 7 बजे से है। हाँ चलो कोई नहीं, तो अब घर चलते हैं। जिस काम से आया था ये काम निपटा दिया। अब विमान यहाँ आ गया इनके पास, देखो कुन्नू की गोद से उतर के इनके पास आ गया। वो बैठ रहा है अभी, क्या कर रहा है? लार टपका दी थी। लार टपका रहा, लार विमान विमान विमान। हेलो करो, हेलो कर इसके साथ, हेलो कर मनु, हेलो कर, हेलो। ये उठने की कोशिश कर रहा, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, शाबाश शाबाश। तो गाइस ये देखिए 4:45 होने वाले हैं। क्या कर रही है भाई मनु? मैं प्याज काट रही हूँ। ये इस लड़की को आज नया काम करते हुए देख रहे होंगे। हाँ। पहली बार काम करते, क्या चीज? पहली बार काम करते हुए कि ये प्याज काट रही है। और किस चीज के लिए प्याज काट रही है जरा? हम मैगी बनाने वाले हैं अभी। मोमोज का प्लान कैंसिल? क्योंकि कोमल दीदी को कुछ काम आ गया है तो वो अपने काम से जा रही है। ओके, और कुन्नू लेके आया है भाई, देखो मैगी बहुत सारे पैकेट, तो हम लोग मैगी बनाने जा रहे हैं। मैं और कुन्नू मिलके बनाएंगे आज। वैसे तो मैगी का एक्सपर्ट हमारे यहाँ शिवम है, शिवम पर शिवम को कोटवार से कहाँ से लेके आए, तो आज किचन में मैं घुस चुका हूँ। आज बढ़िया सी एकदम मजेदार वाली मैगी बनाता हूँ, बनाऊंगा। किस किस को यकीन है कि मैं अच्छी मैगी बना दूंगा? मुझे है कि रिंकी इधर आओ, रिंकी जल्दी जल्दी, तेरे को यकीन है मैं मैगी बना दूंगा अच्छी है देखा। और ठीक है भाई, तो अब चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं। प्याज टमाटर तो मनु ने काट दिए, और कुन्नू कढ़ाई लेके आओ, तेल वेल का इंतजाम रखो। ये मैगी के पैकेट कुन्नू ले आया, अब बनाते हैं। तो भैया कैसे कैसे बनाएगी मैगी, प्रोसेस बताओ भाई। प्रोसेस में ये है, कढ़ाई हमने रख दी है और उसके बाद एक तेल वगैरह डालूंगा, फिर तेल को थोड़ा गर्म होने के बाद फिर प्याज डाल के भून लूंगा, और भूनने के बाद फिर टमाटर डालते हैं ना, टमाटर वगैरह डाल दूंगा, और फिर हल्दी मिर्च नमक जो भी है वो डाल के, अबे नहीं पानी भी डालना पड़ेगा, पानी उसके बाद बॉईल के बाद पानी डलेगा। हाँ पहले उसे डाल के फ्राई करके फिर पानी डाल के पका दूंगा। आज पता नहीं क्या बनने वाला, कैसे बनेगी मैगी, जब बन जाएगी ना तब टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है। अभी तो फिलहाल मेरे को बनाने दे, एकदम पूरे उसके साथ लगा रहा हूँ, डेडिकेशन के साथ बना रहा हूँ, तो अच्छी बनेगी। चलो देखते हैं। यस देखेंगे। सो गाइस मैगी फाइनली बनके हो गई है तैयार, और जो फाइनल लुक आया है मैगी का, जो कलर आया है वो देखिए ये आया, एकदम मस्त सी लग रही है ना। अब यार ये पता नहीं कैसे जम गई, पर अच्छी हो रही है, खाने में अच्छी होगी, ये बन गई है। अब खा के पता चलेगा कैसी बनी है। अब मम्मी को बुलाया है, बाहर से मम्मी आएंगी, फिर मम्मी सर्व करके देंगी, और फिर टेस्ट करके बताता हूँ मैं क्या टेस्ट आया। तो अभी मम्मी बाहर से आ रही है अंदर, तब मम्मी सर्व करके देंगी। बाकी मनु इधर बैठ गई लैपटॉप लेके, थोड़ा सा वेट कर रही थी क्या मैगी खाने का है? हाँ। कर रही है, तो अभी आ रही है थोड़ी देर में, और फिर मुझे बताइए कैसी बनी है। ठीक है ठीक है। हाँ। वैसे इस लड़की ने मुझे कहा था कि मुझे 50% भरोसा, 50% नहीं। अगर मन्नड़ आज अच्छी बन गई तो आज ये गई, अगर आज मैगी टॉप की बनी है तो ये गई। फाइनली ले आई मम्मी मैगी हमारे लिए, ये देखिए। और कुणाल भी आ गया है। मनो तेरे को मिल गई? हाँ मैडम के लिए भी आ रही है, ले आई मम्मी, देखो मनु के लिए भी। तो कुन्नू और मनु जरा टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। अच्छी बनी होगी।
उसे छीन लिया करो बेकार बन, थोड़ी सी भी अच्छी लगी ना तो उसे छीन लियो, कर ले छीन लो इससे बस। मनो तेरे को तेरी विद्या पढ़ाई कसम, कैसी बनी है? अच्छी बनी है। अच्छी बनी है सच में? एक साइड से तो पास हो गई मैगी। मतलब मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, अच्छी मैगी बनाता हूँ। हाँ, बढ़िया बढ़िया मस्त। देखा देखा तुम लोग मेरे पे शक कर रहे थे। तो इन दोनों ने तो पास कर दिए, बाकी और बच्चे भी है नहीं, कुछ लोग ट्यूशन जा रखे हैं पढ़ने, कुछ लोग पढ़ाने और कुछ लोग जा रखे हैं मार्केट। तो जब वो लोग आएंगे तब खाएंगे, फिलहाल मेरे लिए आइए मैं भी खाता हूँ। और जब इन लोगों ने कहा अच्छी बनी है तो अच्छी बनी है, मेरे को कलर देख के अच्छी लग रहा है। रात के 9 बज गए और मैं खाना खा के जस्ट बाहर ही आया था, और मेरे साथ आए कुणाल और मम्मी। और कुणाल के हाथ में क्या है कुणाल, बता एक बार। कंडील कहते हैं वैसे ऊपर जाने वाली कंडील। कंडील तो दिवाली की बच रखी थी हमारे पास 3-4, और उस टाइम जिस अंदर जब मैं ब्लॉग शूट कर रहा था उस टाइम कुन्नू तैयारी कर रहा था कि आज इसे उड़ाएंगे, पहले से प्लान बना रहा था। और मम्मी ना मोमबत्ती लेके आई है ताकि उसका मोम जो जलते हुए टाइम लगता है ना, माचिस की तिल्ली जल जाती है एकदम। हाँ ऊपर करो थोड़ा सा, हाँ सही है सही है। यहाँ मत करो, ये तो ऊपर ना पेड़ है, पेड़ में अटक जाएगा, इधर करके करो थोड़ा सा। और आज की जो कंडील उड़ा रही है वो मम्मी उड़ा रही है। मम्मी पहले तुमने जलाया कभी? नहीं। पहली बार? पहली बार जला रही। फर्स्ट टाइम जला रही है मम्मी ये कंडील। कुन्नू तूने तो जलाया ना? जलाती रहो अभी और जलती रहो। और एकदम उड़ने के लिए रेडी है हमारा कंडील, थोड़ा सा ऊपर करके पुश करियो। वैसे तुमने ना ये लो भैया उड़ गया, अभी इसके अंदर गैस भरेगी तब जाएगा। चला गया भाई, देखो अब उड़ गया ये। ओ बस कितनी ऊंचाई पे चला गया एकदम आगे, और तेजी से जा रहा है ना अब तो, ऊपर हवा भी चल रही होगी ना। तो कैसा लग रहा तुम लोगों को उड़ा के? मजा आ गया। और क्या, दिवाली खत्म हो गई, पता नहीं कहां जाके वो कहां तक चला गया देखो उधर, और अब तो डिसबैलेंस हो रहा है, हिल रहा है। सो गाइस कंडील हमने उड़ा दिया, और जैसे कि आजकल ठंडा मौसम है तो कोई बाहर आया नहीं, और अभी भी यहाँ भी देखो सुनसान पड़ा है, आगे भी और पीछे भी सब सुनसान पड़ा है। बाकी यही उड़ाने हम लोग बाहर आए थे। सो इस ब्लॉग का यहीं पर करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल बने तो सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।